दोस्तों आज की इस वीडियो में स्टेबल इलेक्ट्रॉन गीजर के बारे में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पे दो बड़े बड़े गीजर रखे हुए हैं, गर्म पानी के लिए यहां पे गीजर रखे हुए हैं। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं, ये कितना लीटर का ये गीजर, दोनों गीजर है। और आप देख सकते हैं इसका जो पाइपलाइन यहाँ पे किया गया है, काम किया गया है, उसका हम लोग कैसे काम किए हैं और कितने हाइट का ये टंकी है और कैसे ये काम करता है, सारा चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये गीजर जो है वो सोलर से भी चलता है, सोलर वहाँ पे लगा हुआ है, घर के ऊपर छत में लगा हुआ है। और इसका बिजली कनेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ से भी, दोनों का गीजर का यहाँ पर बिजली कनेक्शन किया गया है। ये बिजली से डायरेक्टली भी चलता है और सोलर से भी चलता है, दोनों से ये काम करता है गीजर। तो आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे पानी का हम लोग का पाइपलाइन जो कनेक्शन है ठंडा पानी का और गर्म पानी का किया गया है। तो उसके बारे में चलिए बेसिकली इसके बारे में आप बताता हूँ कि अगर आप कब घर में कहीं लगवाते हैं या कहीं आप लगाते हैं काम करते हैं तो आपको ये वीडियो देख के पूरा समझ में आ जाएगा कैसे ये काम करता है गीजर और इसका पाइपलाइन का कनेक्शन कैसे किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मोटर सब, यहाँ छोटा सा मोटर भी लगा हुआ है। तो उसके बारे में एक एक चीज़ मैं आपको, NRB भी यहाँ पर सब जगह लगे हुए हैं, उसके बारे में चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ। शुरू में दोस्तों मैं आपको बेसिक चीज़ जो होता है पानी का कनेक्शन जो उसका कैसे किया गया है उसके बारे में आपको शुरू से चलिए बताता हूँ। तो दोस्तों इधर देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का टंकी है, मतलब घर का छत में ये मेन टंकी है, यहाँ से पानी मतलब पूरा बाथरूम में जाता है। तो इसी से हम लोग पानी का कनेक्शन यहाँ से हम लोग लिए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हम लोग का टंकी से पानी जो आया है, ये बाथरूम के पानी जाने के लिए यहाँ पे पाइपलाइन दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं टी हम लोग का लगाया गया है, इस टी में एक चाबी दिया गया है और ये UPVC पाइपलाइन है। तो यहाँ पे चाबी में हम लोग बूस लगा के यहाँ पे, इसके बाद हम लोग का CPVC पाइपलाइन, एक इंची का यह पाइपलाइन है CPVC, तो ये हम लोग ले गए हैं। आप देख सकते हैं ये सीधे आगे गीजर में गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पाइपलाइन गया है इसके में यहाँ पे एक चाबी दिया गया है पानी को ऑन ऑफ करने के लिए। उसके बाद में यहाँ पे एक NRB दिया गया है, नॉन रिटर्न बल्ब, मतलब जो NRB दिया गया है ये पानी जाने के लिए, इधर इसका मुंह खुला गया है, इधर इधर रिटर्न पानी नहीं आएगा इसलिए इसको दिया गया है। और आगे जाके यहाँ पे एक टी दिया गया है और यहाँ से एल्बो करके यहाँ पर भी एक NRB दिया गया है और इसके बाद एक चाबी दिया गया है और ये एक मोटर है। तो इसके बारे में चलिए आगे मैं बताऊंगा। तो दोस्तों ये जो पाइपलाइन गया है ये डायरेक्टली हम लोग का जो गीजर है उसमें ये कनेक्ट हो गया है। नीचे देख सकते हैं आप, नीचे में ये डाला गया है लाइन। और दोस्तों ये जो मैं पाइपलाइन जो बताया था, यहाँ पे एक चाबी दिया गया है और एक मोटर दिया गया है। ये दोस्तों ये क्या चीज़ का मोटर मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये बेसिकली वाटर सर्कुलेशन लाइन जो होता है, मतलब पानी को रोटेट करता है, पानी को पूरा घुमाता है और ठंडा पानी जो होता है उसको गर्म करके तुरंत बाथरूम में देने के लिए इसको लगाया गया है, मतलब वाटर को सर्कुलेशन करता है। इसका वायर का कनेक्शन हम लोग नहीं किए अभी, बाद में इसको कर देंगे। तो यहाँ के जाने के बाद इसको आगे देख सकते हैं, ये नीचे जो बाथरूम से एक वाटर रिटर्न लाइन जो होता है उसका पाइपलाइन नीचे बाथरूम से वो आया गया है और यहाँ पे एक चाबी दिया गया है और यहाँ पे एक टी दिया गया है, उसमें हम लोग प्लग कर दिए हैं ये पानी चेकिंग करने के लिए, इसको हम लोग छोड़े हैं। तो ये नीचे बाथरूम में ये वाटर रिटर्न लाइन जो होता है उससे ये कनेक्शन किया गया है, मतलब पानी को ये सर्कुलेशन करेगा, पूरा पानी को ठंडा पानी जो हो जाएगा उसको गर्म करने के लिए और गीजर में वो डालने के लिए इसको लगाए हैं। और अब देख सकते हैं आप, ये तो हम लोग का ठंडा पानी जो आगे से आया है ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया गीजर में, ये पानी ठंडा पानी जा रहा है इसमें और इसमें जाने के बाद ये पानी गर्म होने के बाद ये आउटलेट लाइन है, ये इन लाइन है नीचे वाला और ये आउटलेट लाइन है। तो आउटलेट में देख सकते हैं यहाँ पे MTA लगाया गया है एक इंची का और उसके बाद आउटलेट निकाला गया है और यहाँ पर एक हम लोग यूनियन दिए हैं। ये यूनियन देने के बाद यहाँ नीचे हम लोग एक चाबी दिए गए हैं और चाबी देने के बाद यहाँ पे एक NRB और दिया गया है। NRB इसलिए दिया गया है कि जो पानी जो जा रहा है ये इस गीजर में जा रहा है, दूसरा गीजर में जा रहा है, मतलब इस गीजर में जो गर्म पानी होगा वो इस गीजर से जाएगा। और यहाँ पे एक यूनियन दिए हैं और एक यहाँ पर भी MTA देख इसको कनेक्ट किया गया है। दोस्तों बेसिकली ये गीजर जिसे ठंडा पानी का जो कनेक्शन होता है, दोनों पानी को टंकी को आपस में जोड़ा जाता है, इसी तरीके से हम लोग इसको जोड़ दिए हैं। क्या है कि यहाँ पे दोनों का जो पानी भरेगा वो सेम भरेगा और पानी जब भी ख़त्म होगा तो वो सेम ख़त्म होगा, इसलिए हम लोग इसको यहाँ दोनों गीजर को हम लोग कनेक्ट कर दिए हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं
यहाँ पे एक आउटलेट लाइन दिया गया है और इसको हम लोग सीधे निकाले हैं नीचे, और एक यूनियन भी दिया गया है ऊपर में, इसको उतारे हैं और चाबी दिए हैं एक नीचे में, और चाबी देने के बाद ये सीधा नीचे हम लोग का बाथरूम में देख सकते हैं एक चल गया है। एक रिटर्न लाइन है और एक आउटलेट लाइन है, एक पानी जाने के लिए है और एक रिटर्न लाइन है बाथरूम से पानी आने के लिए। रिटर्न लाइन क्या होता है उसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि रिटर्न लाइन कैसे काम करता है। ये सब तो ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। और दूसरा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पंखा लगाया गया है मशीन में, सिलेंडर जो होता है इसका कंप्रेसर होता है उसको ठंडा करने के लिए यहाँ पे पंखा लगाए गए हैं। दोनों मशीन में सेम है, दोनों मशीन में पंखा एक एक लगाए गए हैं। और दोस्तों ये पीछे का जो सिलेंडर होता है उसको ये कंप्रेसर को ठंडा करता है। और दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में अगर नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूँ ये क्या चीज़ का दिया गया है। ये तो पानी आउटलेट का दिया गया है, ये चीज़ देख सकते हैं इसमें RMC बल्ब है। ये RMC बल्ब क्या होता है दोस्तों, ये एयर निकालने के लिए ये दिया गया है, मशीन का जो एयर होता है उसको निकालने के लिए। इसको मैं आप देख सकते हैं, इसको मैं अब खोलूंगा तो यहाँ से भी पानी, गर्म पानी यहाँ से भी निकलता है। ये मशीन का एयर निकालने के लिए इसका बल्ब यहाँ पे दिया गया है। जब भी मशीन में अगर एयर आ जाता है, पानी सही से नहीं जाता, तो इसको खोल के यहाँ से एयर निकाला जाता है। और दोस्तों इधर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी इस मशीन का एक और पाइपलाइन इधर से निकाला गया है। दोस्तों ये क्या पाइपलाइन है मैं आपको बता देता हूँ, ये पाइपलाइन जो है ये वेस्ट वाटर, यहाँ पे पानी निकलते रहता है, एक बूंद देख सकते हैं पानी यहाँ पे निकल रहा है। तो दोस्तों इसका वेस्ट वाटर जो होता है, पानी जो पानी को छोड़ता है मशीन, गंदा पानी जो होता है उसको निकलने के लिए यहाँ पे एक वेस्ट वाटर लाइन यहाँ पे दिया गया है। धीरे धीरे एक बूंद पानी यहाँ से निकलते रहता है। तो ये दोस्तों आप समझ गए होंगे, ये हमारा RMC लाइन है, ये एयर निकालने के लिए दिया गया है, ये डायरेक्टली मशीन से एयर निकालता है। तो इस मशीन के बारे में आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। दोस्तों इसका मैं हाइट और लंबाई चौड़ाई बता देता हूँ कितना है। दोस्तों इसका हाइट जो है वो 6.5 फुट इसका हाइट है दोनों मशीन का, दोनों मशीन सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। और जो इसका चौड़ाई जो है वो 2.5 फुट इसका चौड़ाई है, और वाटर इसका कैपेसिटी है वो 302 लीटर इसका कैपेसिटी है, मतलब 302 लीटर तक एक टंकी में पानी आ सकता है। तो दोस्तों आई होप आपकी वीडियो देखने में अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, इंस्टाग्राम का लिंक है हमारा डिस्क्रिप्शन में, उसको भी फॉलो जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।